Yeah.
किसी को कोई दिक्कत के बाद भी
या उठ नहीं रहा है। इनको तो जय राज्य प्रभु जय राज्य नाथ नहीं इनको इनके बंद में रविराजा बंद आना चाहिए नाक में प्रभु जाओ जाएगा अभी तो मेरा निद्रा भी पूर्ण नहीं हुआ है। क्या लंका में कोई विपत्ति आई है? हाँ महाराज, संकेत याद किया है। हाँ महाराज, लंका में घोर विपत्ति आई है और महाराज रावण ने आपका बल और स्वरूप को पहचान कर आपको जगाने का हुक्म दिया है। हाँ, तो चलो मेघनाथ युद्ध में मारा गया भैया? नहीं नहीं, उससे तो हम सीधा ही लिया हमने पितृ लोगों में एक स्त्री का हरण कर लाए। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया उसका बुद्धिमान अब खास नहीं करते। आए भाई तो वो कहलाता है कुंभा जो संकट उसके साथ खड़ा हो, सहायता करे, भैया आपने मुझे एक प्रकार समझा नहीं। मैं जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है? मैं तो छोटा भाई हूँ, इसके बारे में मेरे मन में शंका है ना भय है। मेरा फर्ज है बड़े भाई के संकट के समय साथ देना। सूर्यास्त होने से पहले उन वर्षवासियों को आज इन तपस्याओं को मार करके मैं अच्छा भी करना करूंगा। आज धर्म के ताले पड़े हैं, मैं निद्रा की अवस्था में था, इन तपस्याओं ने हमारे सारे वर्ष सैनिकों का वध किया। प्रणाम भैया, बहुत विभीषण हूं भैया। मैंने बड़े भैया रावण को परम हितकारी सलाह व विचार कहे, परंतु उल्टा समझकर रावण ने मुझे लात से मारा, जिससे मुझे बहुत दुख हुआ भैया। मैंने विचार कर लिया कि मैं किसके शरण जाऊं, के पास चला आया। तो धन्य है विभीषण जो तीनों लोक के स्वामी प्रभु के शरण में आए हो। हे तात, रावण तो काल वश हो गया है, वह तो सीधा बताने से उल्टा ही समझता है। तुम तो निशाचर कुल के भूषण हो मेरे भाई, अब जाओ, मैं काल वश हो गया हूँ। मुझे कौन अपना कौन पराया पहचान नहीं है विभीषण। तुम चले जाओ भाई, और उनके साथ वानरी सेना भी चलते हैं लक्ष्मण जी के साथ। हे लक्ष्मण,
तू मेरे हाथों परास्त होकर ही युद्ध करने चलाया, मगर आज साधार आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा हुआ। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय। शत्रु है वे हमारे भी बैरी है, हमारे रहते आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। राम की वानरी सेना के बीच घोर युद्ध होता है। आज उनका बदला मैं लूंगा और रावण आज महान पराक्रम के साथ राम के वानरी सेना से युद्ध करने के लिए। अपनी ताकत राक्षसों पर क्यों आजमाते हो? आज लंकापति स्वयं रामभूमि पर आया है। Thank you.
लंकावासी खुश होंगे। इस तपस्वी को ले जाकर लंका के चौराहे पर रखूंगा ताकि छोटे छोटे लंका के वासे इसे सर को गेंद बनाकर फुटबॉल खेलेंगे। समय पवन सुत हनुमान जी आ जाते हैं। देखी पवन सुत लक्ष्मण जी महाराज को रावण उठाना चाह रहे थे मगर रावण से नहीं उठा। उसी लक्ष्मण को आज हनुमान जी जो है उसके मूर्छा तक को उठाकर आसानी से भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लखन लखन पुकार ही सकल सेना शोक में तब निज आयुध महिरा रही। कह रघुनाथ समुझ जी भ्राता बार बार नहीं। लक्ष्मण के मूर्छा तन को हनुमान जी भगवान हे भ्राता समझ कर तुम देखो काल रणभूमि में बार बार नहीं होना चाहिए। हम लोग सुनत वचन उठ बैठे कृपाला कई कराए जाना चाहते हैं। अगर रावण आज
काल रावण के नाभि में अमृत का कुंड है, हे नाथ उससे पहले सौंखे तब वह दुष्ट मरेगा। जरा सा राम और रावण के युद्ध को यही रोक करके दोनों सेनाओं का युद्ध एक बार फिर से उस प्रसंग को दिखाया जाए। तो आयोजक समिति का भी हमें आदेश मिल चुका है कि एक बार वह प्रसंग फिर से दिखाया जाए। सुनत विभीषण वचन कृपाला हर सिंह कर दान करा। ताकि देखा जा सके आसानी से हमारे आयोजन समिति के जो लोग हैं आपसे हमारा आग्रह है सिंहासन भी नीचे उतार दीजिए। रावण जहाँ पर बैठा हुआ था रावण का सिंहासन पीछे लोग देख नहीं पा रहे हैं।
भाई राजेश शर्मा जी सिंहासन करवा दीजिए सामने, तो पीछे लोग आसानी से देख सकेंगे। भव्य आतिशबाजी का भी आनंद आप लोग लीजिएगा। तीनों पुतले एक देखिए, कुंभकर्ण का पुतला अग्नि को समर्पित हो चुका है। तालियां बजाइए, बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय रहिए। तैयार है राम की भूमिका में माननीय विधायक आसाराम नेताम जी, और इनके द्वारा अब देखिए रावण का वध किया जाएगा। रावण का ही वध नहीं है, ये रावण के अंदर का जो मैं के अहंकार ने किया, ये राम की सरलता थी, राम की सौम्यता थी। चवन की यह मंडली रामलीला मंडली जिसका प्रदर्शन आप देख रहे थे, आयोजन समिति की ओर से आप इनका बहुत आभार करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इनके द्वारा मंच पर यहाँ पर दी गई। भाई आर बी दादरा जी, आपको और आपकी पूरी टीम का हम बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत आभार करते हैं। लगातार कई वर्षों से आपने हमें सहयोग प्रदान किया है और इस मंच पर आपके कलाकारों के द्वारा इस प्रकार की प्रस्तुति की जाती रही है, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और अब धू धू जलता हुआ रावण, केवल रावण का पुतला ही नहीं जल रहा है, रावण के अंदर का मैं, रावण के अंदर का अहंकार, अधर्म, बुराई, असत्य, सब कुछ एक साथ जल रहा है और इसको जलाने के पीछे उद्देश्य यही होता है, लोगों को इस प्रकार की बातों से प्रेरणा मिले और समाज में हम इस प्रकार की बुराइयों का अंत करने की ओर अग्रसर हो और एक साफ सुथरे समाज के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें, यही। आदित्य भाजी, चलिए समीक भाई आपसे हमारा आग्रह कि पीछे से आप इसका प्रारंभ करें।